गुड इवनिंग मेरे सभी शिक्षकों को, हैप्पी टीचर्स डे। और जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार। आज शिक्षक दिवस है और जनरली सभी जगह ये सेलिब्रेशन चल रहा है और हम लोग सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ एक शिक्षक और एक बच्चे के रिलेशन के बीच। तो ये जो शिक्षक है ये अपने कि शिक्षक लिमिटेड नहीं होता है। एक शिक्षक एक अम्ब्रेला के जैसा होता है जो हर बरसात में, गर्मी में, धूप से बच्चों को बचाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब बच्चे परेशान हो जाते हैं तो उन्हें वो सॉल्यूशन दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो टीचर केवल प्रोफेशनल नहीं होते हैं, टीचर का ड्यूटी या ड्यूटी टीचर का कर्तव्य होना चाहिए या जनरली होता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी की सीख भी देना। आज के माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि टीचर, सभी के बारे में मेरे ये राय नहीं है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हो गए हैं जो काफ़ी प्रोफेशनल हो गए हैं और वो नोट के बदले नोट्स संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक आपके पास नोट नहीं आएगा तब तक आप उन्हें नोट्स नहीं देंगे, इसका मतलब ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन मेरे विचार से ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप, मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ और बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, मेरा उन सभी टीचर्स से निवेदन है कि अगर आप अपने बैच में 10 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा आपके पास ऐसा आ रहा है जो डेफिनेटली फिनेंशियल कंडीशन उनका सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आप अगर उसे फ्री में पढ़ा दोगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे को फ्री में करा दो, लेकिन अगर आप 10 बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर 11वां बच्चा आ रहा है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आई थिंक उसे फ्री में पढ़ाना ज़रूरी है। अगर सारे टीचर प्रोफेशनल हो गए, सभी नोट के बदले नोट्स देने लगे, तो उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास संसाधन सीमित हैं? और जो बच्चे एफर्ट तो लगा रहे हैं, दिशा तो सही है, लेकिन क्या है, पैसे उनके राह में बाधक बना हुआ है। तो जितने देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कम से कम एक बच्चे को तो फ्री पढ़ाओ, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ और इन फ्यूचर भी करता रहूँगा जब तक मुझ में सामर्थ्य है। मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा, हमें भगवान ने दो हाथ शायद इसलिए दिया है, जितने मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक हाथ अपने शिक्षक का पकड़ो और एक हाथ किताबों को पकड़ो। आपको कभी बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। हमने पहले से ये सुन के रखा है और इसका प्रमाण शायद मैं खुद ही हूँ या जितने भी मेरे शिक्षक हैं वो सारे लोग हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप पढ़ाई करो, टीचर को साथ में लेके चलो, टीचर आपके माँ बाप के जैसे हैं, आपको उन्हें माँ बाप के जैसे समझना चाहिए और टीचर्स को भी उन्हें अपने बच्चे के जैसे समझना चाहिए। स्कूल में जा करके अगर हर टीचर जितने भी बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चे के जैसे समझे और उतने ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाए, तो शायद वो बच्चा जितना कैलिबर जिस तरह हम अपने बच्चे से लगाव रखते हैं, उनके पढ़ाई के प्रति बहुत ध्यान रखते हैं, अगर हम लोग भी टीचर्स स्कूल में ऐसा करने लगे और उन्हें अपना बच्चा मान के पढ़ाने लगे, तो डेफिनेटली वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो टीचर्स डे में मुझे बस ये छोटी सी बातें करनी थी, और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं,
आप बिल्कुल हेल्प करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आज के दौर में भाग दौड़ में ना लोग पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन लोग बांटना नहीं चाह रहे। बांटना चाह रहे हैं तो उसके बदले इतना मांग लेते हैं कि शायद बच्चे दे नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल हमें हर बच्चे को कॉपरेट करना चाहिए, चाहे वो बच्चा सामर्थ्य रखता हो, चाहे वो बच्चा सामर्थ्य नहीं रखता हो। मुझे एक बात और करनी है। आज के दौर में ऐसा भी देखा जा रहा है, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उन पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, और जो बच्चे एवरेज होते हैं, जो बच्चे बिलो एवरेज होते हैं उन पर ध्यान नहीं जाता है। मेरा ऐसा मानना है जो बच्चे बिलो एवरेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सो दैट वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाए। अच्छों के लिए अच्छे टीचर्स की कमी नहीं है, वो कहीं पे भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे बिलो एवरेज हैं उन्हें अच्छा टीचर्स चाहिए, और उन बच्चों का भी ड्यूटी है कि टीचर्स के साथ कॉपरेट करें, तब जा कर के आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यही था दोस्तों मेरा आपके लिए छोटा सा सजेशन, रिक्वेस्ट, जो भी आप समझ सकते हैं। तो मेरे जितने बच्चे देख रहे हैं, आज शिक्षक दिवस के रूप में एक संकल्प लीजिए कि इन फ्यूचर आप टीचर को कॉपरेट करेंगे, जो भी टीचर्स आपको बोल रहे हैं उनकी बात को आप मानेंगे और पढ़ाई अच्छे से करेंगे। क्योंकि एक छात्र के लिए पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, उन्हें एकेडमिक परफॉर्मेंस करना ही होता है, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। काफ़ी जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।